नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्पेशल टेक्निकल गुरु जी बहुत ही कमाल के टेक न्यूज लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं, आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है, 7 दिन में हो सकता है आपका मोबाइल वॉलेट बंद। बिल्कुल ऐसा ही है, खबरों को सही माने तो एक्चुअली जो आप मोबाइल वॉलेट यूज करते हैं आपको उसको आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। अगर आप लिंक नहीं करवाएंगे तो ये 7 दिन के अंदर बंद हो सकता है, क्योंकि आंकड़े के रिकॉर्ड को देखा जाए तो ऑनलाइन की जब से नोटबंदी हुआ है उसके बाद काफ़ी इजाफा हुआ है, काफ़ी लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, वॉलेट को यूज कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि सिर्फ अभी तक 91% लोगों ने अभी आधार कार्ड से अपने वॉलेट को लिंक नहीं किया है, सिर्फ 9% लोगों ने इसको किया है। तो जैसा कि आपने देखा था सिम कार्ड के केसेज में भी कंपनी बोल रहा था, ट्रायल ने कहा था कि नहीं आप आधार कार्ड से लिंक करवाइए, वैसे केसेज में आप अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको आधार कार्ड से अपने अकाउंट को यानी अपने वॉलेट को करवाना ही होगा। जैसे कि पेटीएम है, पेटीएम को अगर आप पेटीएम यूज करते हैं तो पेटीएम को आधार कार्ड से लिंक कराना करवाना होगा। फ़ोनपे है, बहुत सारे ऐसे हैं जिसको जिस वॉलेट को आप यूज करते हैं उसको आपको आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा। इसका लास्ट डेट आपको बता रहा है 1 मार्च तक आप इसको करवा दीजिए, नहीं तो हो सकता है कि आपका अकाउंट बंद हो जाए। अगली न्यूज Xiaomi की तरफ से आ रही है। Xiaomi के Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro की कल सेल थी, उस सेल कुछ ही समय में वो मोबाइल बिक गया। वैसे में जो ग्राहक जो निराश हो रहे हैं, जिनके हाथ मोबाइल हैंडसेट नहीं मिली है, वो आप टेंशन मत लीजिए, अगली सेल 28 फरवरी यानी इसी महीने में स्टार्ट हो रही है, आप उस दिन चाहे तो बाय कर सकते हैं। लेकिन कंपनी ये अपने बारे में नहीं बताई कि कल का जो सेल फर्स्ट सेल स्टार्ट हुआ था उसमें कितनी यूनिट उसने सेल आउट किया था, उसका स्टॉक क्या था। मुझे तो ये लगता है कि कंपनी के सारे पॉलिसीज होती है, प्लानिंग होती है एक हुमर फैलाने की मार्केट में कि एक्चुअली मोबाइल तो उनको देना ही है, आज नहीं तो कल देंगे, लेकिन एक तरीका से देते हैं। जब इस टाइप से क्राइसिस पैदा करके अगर मोबाइल को मार्केट में दिया जाता है तो कस्टमर को लगता है कि डिमांड काफ़ी है और वो अपनी चीज़ों को और अच्छी तरीके से बेच पाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप घबराइए मत, पेशेंस रखिए, ऑब्वियसली आपको एक ना एक दिन आपको मोबाइल मिलेगा। आज के डेट में अगर आप फ्लिपकार्ट पर जाकर देखते हैं तो नोट 4 की आप पहले आप सेल में मिलता था लेकिन आज ओपन सेल हो गया है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली न्यूज LG की तरफ से आ रही है। LG ने अपना एक स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है, LG K8। उसकी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो डिस्प्ले आपको 5 इंच के मिलेगा, जो प्रोसेसर है 1.3 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर है। फ्रंट कैमरा की अगर बात करते हैं तो 5 MP की फ्रंट कैमरा होगा। अगर रिजोल्यूशन की बात करते हैं तो 720x1280 पर पिक्सल पर काम करेगा, 2 GB की रैम होगा, एंड्रॉयड आपका 7.1 होगा। स्टोरेज की बात करते हैं तो 16 GB का आपकी स्टोरेज होगी और पीछे की कैमरा 8 MP की, और बैटरी बैकअप जो इसका है 2500 mAh की बैटरी है। LG को माना जाए तो LG कोई भी काम टाइम पर नहीं करता है Xiaomi के कंपटीशन में। अगर मैं LG को कंपेयर करता हूँ तो कहीं भी कंपटीशन के दौर में एग्जिस्ट नहीं करता है। बात अगर इसकी बैटरी की जाए तो बैटरी 2500 mAh की बैटरी बिल्कुल ही एक स्मार्टफोन के अंदर आज के डेट में सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि हमारे आए दिन जिंदगी में बैटरी एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहीं भी हम ट्रेवल करते हैं स्मार्टफोन में अगर बैटरी बैकअप नहीं है तो वह स्मार्टफोन बेकार है। दूसरी चीज़ निकल के आती है कि 2 GB RAM तो आज इंडिया में जो यूजर्स हैं वो बहुत कम यूज कर रहे हैं, उसमें क्या एप्लीकेशन चलेगा आप इस चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी एक क्वालिटी, इसमें एक बताई जा रही है कि इसमें 3 सेकेंड में 20 इमेजेस को लेने की कैपेबिलिटीज होती है। तो ऐसे तो बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जहां से हम एक बार में बहुत सारे इमेजेस को खींच सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ LG नहीं करने जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि LG ने ऐसा नया क्या किया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये फ़ोन कहीं भी कंपटीशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो दोस्तों आज के लिए यही न्यूज़ थी, आपको ये कैसा लगा आज अपने बारे में राय ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।